सो हे गाइज वेलकम वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो टाइटल को देख के समझ गए कि तुम सब बिकॉज बोल रहे थे कि हमें चाहिए रूम टूर बिकॉज यू नो दैट मैं चंडीगढ़ विद्यापीठ में शिफ्ट हो चुका हूँ सो यहाँ पे हॉस्टल में रहूँगा ऑब्वियसली सो तुम लोगों को चाहिए एक रूम टूर तो या हेरिटेज देख लो तो चलो अब बात कर लेते हैं रेंट की लेकिन रेंट को थोड़ा सा दूर रखते हैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस हॉस्टल में रहते हुए मुझे मिल रही है एज अ वी पी स्टूडेंट बिकॉज इस हॉस्टल में दूसरे बच्चे भी होते हैं जो दूसरे बैच से हैं जो कि रेजिडेंशियल प्रोग्राम में से नहीं है एक दिन ऑनलाइन दिन ऑफलाइन वाले प्रोग्राम से सो so उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है बिकॉज़ ये फैसिलिटीज़ है ही सिर्फ विद्यापीठ रेजिडेंशियल प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए सबसे पहली चीज़ हमें एक मैंटर असाइन हुआ है जो कि हमारे 24/7 हमें मेंटर करने के लिए यहाँ होंगे वो तुम्हें तो पता है मेंटर ना ऐसे हैं कि सुबह उन्होंने जितना टाइम दिया उतने बजे हमारा दरवाज़ा खटखटा देते हैं एंड जब तक हम उठते नहीं ना तब तो तक वो खटखटाते रहते हैं सभी के रूम हो जाते हैं सबको उठाते हैं मेडिटेशन कराते हैं सुबह पार्क में ले जाते हैं मेडिटिंग तो बहुत लगता है कि ऐसे दरवाजा खटका जाए खटखटाए जा रहे हैं लेकिन हम वो हमारे लिए खटखटा रहे हैं इट इज़ इंपॉर्टेंट ताकि हम मेडिटेशन योगा वगैरह पार्क में जा कर पाएँ वैसे मेडिटेशन हॉस्टल के अंदर होती है जो हमारी एक्सरसाइज होती है वॉकिंग होती है वो पार्क के अंदर होती है एंड हमें एक वार्डन मिला है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हमें वार्डन ऐसा मिला है क्योंकि हमारा वार्डन बिल्कुल भी खड़ूस नहीं है जैसे हमने मूवीज़ में देखा होता है बहुत ही अच्छे वार्डन है मतलब इट्स लाइक ट्वेंटी टू की उम्र है उनकी सो so, तुम्हें पता है कि वो कैसे हैं क्योंकि ट्वेंटी की उम्र में कौन खड़ूस होता है ना एंड so, वो हैवी वार्डन है hey, अच्छा लग रहा है मैं सो हैव ट्वेंटी टू की उम्र के अंदर तो खड़ूस क्यों ही होंगे अब बात कर रहे थे कि मेरा रूम सिंगल है कि जॉइंट है तो मेरा रूम जॉइंट है एंड मैं सिंगल लेना भी नहीं चाहता क्योंकि तो सिंगल रहते ना तो काफ़ी अजीब लगता है मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगर तुम्हें जानना हो तो तुम जान लो अगली वीडियो में कमेंट डाउन कर देना तो मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन हाँ मैंने मेरा एक रूम है जो मेरे साथ रहता है जो कि सस्ता तन में बट है थोड़ा उधर ऐसा वैसा लगता है वो मेरे को रूम के अंदर मेरे को फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं एक तो जॉइंट बाथरूम है वॉशरूम है एंड ए सी तो तुम्हें पीछे देख ही रहा होगा ये अलमीरा है ये स्टडी टेबल दिया है और बाकी सब तो सामान अपना ही है एंड यहाँ पर इन्होंने थोड़ी बहुत दी हैं पे मैंने तुम्हें अपनी बुक्स दिखाई थी ना वो शेल्फ दी है एंड यहाँ पे एक सिंक भी बना हुआ है आ, बस इतना सही है रूम वैसे ठीक ठाक है कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते एंड यहाँ थोड़े से आ, क्या कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं ये जो बनी है क्या कहते हैं इन्हें इन्हें क्या कहते हैं इसको फोटो को फ्रेम फोटो फ्रेम क्या कहते हैं फिर पोस्टर नहीं क्या कहते हैं फिर से पता नहीं पता नहीं है तो प्लीज कमेंट कर देना क्योंकि मुझे और मेरे रूममेट को दोनों को नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं फोटो फ्रेम वॉलपेपर पोस्टर पता नहीं क्या कहते हैं और अगर फैसिलिटीज की बात करें तो यहां पर मैच है जहां पर खाना पीना मिलता है ऑब्वियसली एंड खाना कम्पेयरटिवी जैसे हमने नहीं मूवीज़ वगैरह में देखा होता है कि बहुत बेकार बनता है उससे तो काफ़ी अच्छा है मूवीज़ वाला तो नहीं है लेकिन घर वाला भी नहीं कैसे थे तुम लोग आ, और बात करें यहाँ पर सफ़ाई वगैरह की तो यहाँ पर ब्रूमिंग के लिए एंड पोछा मारने के लिए हैं आ, सर्वेंट्स रखे हुए हैं एंड वो आते हैं वो सफाई करके चल जाते हैं तो भी काफ़ी ठीक लगता है उसके भी कोई एक्स्ट्रा अच्छा चार्जेस नहीं है आई थिंक होंगे लेकिन इंक्लूड हमें बताया नहीं है बस वो शायद इंक्लूडेड ही होंगे बिकॉज और एक बात है कि जो बिल आएगा अपने रूम का उसमें सिर्फ ए सी का ही बिल आएगा जो हमारे यहाँ पे लाइट्स चल रही हैं स्विचेस हैं प्लग्स हैं इनका बिल नहीं आएगा वैसे कितना ही बिल आ जाएगा फैन वगैरह का भी बिल नहीं आएगा सिर्फ ए सी का ही बिल देना है एंड गीजर का भी बिल नहीं आएगा बस ऐसा ही सीन है कि बस ए सी का बिल दो बाकी क्या बोलो मैं नाउ थोड़ी बहुत और वो कुछ चीज रह भी सकते हैं लेकिन हाँ ठीक है एक हमें हम मिला एक बेसमेंट बेसमेंट हाँ बेसमेंट में ना एक स्टडी रूम सा बना है जहाँ पर हम सारे बच्चे जाते हैं एंड अपनी पढ़ाई करते हैं ऑब्वियसली मोस्ट मोस्टली उस बेसमेंट वाले स्टडी रूम को हम यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए जिस दिन हमारी ऑनलाइन क्लास रहती है उस दिन हम उस बेसमेंट वाले रूम को यूज़ करते हैं ताकि हम सारे बैठ के ग्रुप स्टडी कर पाएँ एंड तुम्हारी मर्जी है जहाँ पर जितनी मर्जी तक बैठे रहो एंड उस स्टडी रूम के बगल में ही हमारा एक गेमिंग रूम कह सकते हैं लेकिन गेमिंग वो चेस वगैरह कैरम वगैरह वहाँ पे तो वैसे ही इंडोर गेम्स है ताकि हम वहाँ पे रिफ्रेश हो सके अपना लेकिन सच बताऊँ तो हमें टाइम मिलता नहीं वहाँ जाने का तो हाँ और क्या ही मिल सकता है तुम्हें एक हॉस्टल से तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ पे सिनेमा हॉल तो बना के देंगे नहीं सब कुछ मिल रहा है हमें मतलब हमें मतलब मैं मैं और मेरे रूममेट के लिए तेरह हज़ार पाँच सौ थ्री थर्टीन थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड थ्री निकल रहा है बार बार मुँह से थर्टीन थाउज़ेंड फाइव हंड्रेड मिल रहा है ये सब कुछ चीज़ें लेकिन सिंगल वाला आई थिंक थोड़ा सा कुछ होल प्राइज़ होगा ट्रिपल वाला जो होते हैं वो थोड़ा होल प्राइज़ होगा मुझे नहीं पता लेकिन जो डबल वाला है वो तो है थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ हम सबको पता लग चुका है कि पंजाब बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है लेकिन मैंने अब तक वीडियो नहीं डाली अपना रिजल्ट नहीं बताया तो सुनो यार बता दूंगा रिजल्ट ही अपनी वीडियो आ जाएगी रिजल्ट के रिलेटेड रिलेटेड नहीं मैं रिजल्ट की वीडियो ही डालूंगा तो उस वीडियो को देख लेना बाकी मैं क्या ही बोलूँ सो लव यू टाटा बाय बाय आई इन द नेक्स्ट तब तक के लिए बाय बाय